हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है यासिर। आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आवर क्रिकेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आईपीएल 2020 के पांचवें मैच जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर के बीच खेला जाएगा, अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा, तो इस मैच का मैं प्रीव्यू करने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी अपडेट्स माने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन उसके दबा दीजिए। सो गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग प्रीव्यू में, मैं क्या क्या बताने वाला हूँ दोस्तों प्रीव्यू में। प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, की बैटल्स, हेड टू हेड और मैच प्रेडिक्शन, ये छह चीज मैं बताता हूँ हर मैच के लिए, तो इस मैच में भी यही छह चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्लेइंग 11 की। दोस्तों, प्लेइंग 11 में भी सबसे पहले बात करेंगे केकेआर की। दोस्तों, केकेआर की बात कर ले, दोस्तों जो इनकी ओपन करेंगे वो दोस्तों करेंगे सुनील नारायण और शुभमन गिल इनकी ओपन करेंगे। दोस्तों बात कर ले इनके मिडिल ऑर्डर की, दोस्तों मिडिल ऑर्डर में तीन नंबर पे टॉम बैंटन, चार नंबर पे नीतीश राणा और पांचवे नंबर पे दोस्तों दिनेश कार्तिक आएंगे। दोस्तों इनका मिडिल ऑर्डर भी काफी तगड़ा नजर आता है मुझे, तीन पे बैंटन जो कि काफी अच्छा हिट करते हैं, दोस्तों नीतीश राणा भी काफी अच्छे प्लेयर है और दिनेश कार्तिक भी काफी अच्छे प्लेयर है। इनका मिडिल ऑर्डर दोस्तों बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर है। बात कर ले दोस्तों इनके लोअर ऑर्डर की, तो छठे नंबर पे आंद्रे रसल और सातवें नंबर पे दोस्तों कमलेश नागरकोटी आएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों इनका लोअर ऑर्डर भी देखा जाए तो ठीक ठाक एकदम तगड़ा है। जिस टीम में रसल है भैया, उसका लोअर ऑर्डर कहां ही खराब हो सकता है। बात करें दोस्तों इनके बॉलर्स की, तो आठवें नंबर पे पैट कमिंस, नवे नंबर पे शिवम मावी, दसवें नंबर पे कुलदीप यादव और ग्यारहवें नंबर पे संदीप वॉरियर आएंगे। दोस्तों ये रहेगी केकेआर की प्लेइंग 11। अब बात करते दोस्तों मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। दोस्तों मुंबई की प्लेइंग 11 की बात कर ले, तो दोस्तों मेरे हिसाब से पहला मैच मुंबई अपना हार के आई है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आने वाला है इनकी प्लेइंग 11 में। जैसी पहले मैच में प्लेइंग 11 खेली थी वैसी इस मैच में भी खेलने वाली, जो इनकी ओपन करेंगे वो तो रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक। इनके मिडिल ऑर्डर में 203 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, चार नंबर पे सौरभ तिवारी और पांचवें नंबर पे हार्दिक पांड्या। दोस्तों लोअर ऑर्डर में छह नंबर पे कारण पुलाड़ और सातवें नंबर पे कृणाल पांडे आएंगे। दोस्तों ये रहेगा इनका पूरा लोअर ऑर्डर, ओपनर से लोअर ऑर्डर। गेंदबाजी की बात करें तो आठवें नंबर पे जेम्स पैटिंसन, नवे नंबर पे राहुल चेहर, दसवें नंबर पे ट्रेंट बोल्ट और ग्यारहवें नंबर पे जसप्रीत बुमराह। दोस्तों मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आने वाला इनकी प्लेइंग 11 में, इनकी लाइनअप में भी मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आने वाला है बॉलर किसी में नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो सबने अच्छा दिया था, हार गया मैच वो अलग बात है। और दोस्तों ये रहेगी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग पिच रिपोर्ट की तरफ। दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात कर ले, तो पिच जो पहले मैच में जैसे पिच थी वैसे ही पिच रहने वाली है। पहला मैच जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके खेला गया था उसमें जैसी पिच थी वैसी ही पिच इस मैच में भी रहने वाली है। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों के लिए ये पिच मददगार साबित हो सकती है, स्पिनर्स के लिए भी हो सकती है और फास्ट बॉलर्स के लिए भी हो सकती है। स्पिनर्स के लिए कुछ ज्यादा हो सकती है क्योंकि पहले मैच में देखा था स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो बैट्समैन थोड़ा परेशान हो रहे थे, और बैटिंग के लिए दोस्तों ये पिच ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छी नहीं है बैटिंग के लिए पिच। और जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो मैं चाहता हूं कि वो 170 से ज्यादा रन बनाए अगर उनको डिफेंड करना है अपना टोटल। अब बात करते हैं दोस्तों वेदर रिपोर्ट। दोस्तों वेदर रिपोर्ट वहां शारजा का जो वेदर रहने वाला है, जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो 200 रहेगा 39 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर जो रहने वाला है वो 200 रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। ये रहेगा दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बात करें, और दोस्तों वहां बारिश का भी कोई चांस नहीं है, बारिश नहीं होगी पूरे दिन, मैच में भी नहीं होगी जब पूरे दिन नहीं होगी तो। और दोस्तों वहां का मौसम हर मैच की तरह इस मैच में भी खुला आसमान रहेगा, धूप निकली होगी, गर्मी होगी और क्या होता है हर मैच में, इसमें भी यही होगा। बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग की बैटल्स की तरफ। दोस्तों की बैटल्स की बात करें, कौन सी की बैटल की तरफ मैं देख रहा हूँ, मुझे जो की बैटल सबसे अच्छी लग रही है इस मैच में वो दोस्तों लग रही है रोहित शर्मा के सामने सुनील नारायण। दोस्तों क्या बैटल होने वाला है, देखने में मजा आएगा। सुनील नारायण जब बॉलिंग करेंगे तो रोहित शर्मा क्या मार पाएंगे, सुनील नारायण उनका विकेट ले जाएंगे, देखने लायक होगा। और आज तक के आईपीएल में सुनील नारायण का पलड़ा भारी रहा है रोहित शर्मा के ऊपर रिकॉर्ड्स के हिसाब से, देखते हैं इस साल कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। बात कर लें दोस्तों अब हेड टू हेड मैचेस की। दोस्तों हेड टू हेड मैचेस की अगर बात कर लें तो कुल मिला के इन दोनों टीमों के आमने सामने 25 मैच हुए हैं, जिसमें से केकेआर सिर्फ 6 मैच जीता है और मुंबई इंडियंस 19 मैच जीती है। दोस्तों 19 मैच कम नहीं होता, बहुत होता है, 25 में से सिर्फ 6 केकेआर और 19 मुंबई इंडियंस। हेड टू हेड में दोस्तों केकेआर मतलब है ही नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि 19 और 6 में बहुत अंतर होता है दोस्तों, 13 मैच का अंतर है। दोस्तों हेड टू हेड में मुंबई बहुत आगे है केकेआर से। बात कर लें दोस्तों अब मैच प्रेडिक्शन की तरफ। दोस्तों मैच प्रेडिक्शन में देखिए मुंबई अपना पहला मैच हार के आई है, केकेआर अपना पहला मैच खेलेगी, और दोस्तों केकेआर की जो मुझे प्लेइंग 11 नजर आती है वो
बहुत अच्छी नजर आती है। मुंबई की भी प्लेइंग 11 काफी अच्छी है दोस्तों, इसमें डिसाइड करना बहुत टफ है और हेड टू हेड में देखा जाएगा तो मुंबई केकेआर से बहुत आगे है, बट मैं इस मैच में आई एम गोइंग विद केकेआर के मुझे लगता है ये मैच केकेआर जीत जाएगी। मुझे लगता है इस बार केकेआर है तैयार। ये तो मेरी प्रेडिक्शन है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, तो कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों प्लेइंग 11 में कुछ अगर केकेआर की प्लेइंग 11 है या मुंबई की प्लेइंग 11 है आपके हिसाब से कुछ चेंज आ सकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है आपके लिए, भरिए यार उसमें। और दोस्तों आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। दोस्तों मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी दोस्तों। और आजकल प्रीव्यूज आने वाले आईपीएल 2020 के सारे मैचेस के, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। और दोस्तों आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।